Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 न्यूज के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। रश्मिका मंदाना मामले में दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने साइबर एक्ट के तहत FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में अलग अलग जगहों पर SIU की छापेमारी चल रही है। छापेमारी कुछ आतंकी गतिविधियों से संबंधित है। राजस्थान के दौसा में एक सब इंस्पेक्टर ने 4 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद राहुआ थाने में सब इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार में AQI 282, RK पुरम में 220, पंजाबी बाग में 236 और ITO में 263 रहा। कोविड बॉडी बैग स्कैम केस में ED 23 नवंबर को उद्धव ठाकरे और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर से पूछताछ करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के धार में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य में 17 नवंबर को मतदान है। इसराइल और हमास के बीच पिछले एक महीने से अधिक समय से जंग जारी है। इतने दिनों की जंग में गाजा में करीब 11,000 लोगों की मौत हो गई है। अयोध्या में आज दीपोत्सव है। भगवान श्री राम की नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। 24 लाख दियों से राम की नगरी जगमगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। वहां वो सिकंदराबाद में एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में शुक्रवार रात एक बड़ा हादसा हो गया है। ओडिशा के पारादीप जा रही एक लग्जरी बस में आग लग गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। वह नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा की डोलरी और भोपाल जिले के हुजूर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का चुनाव होने जा रहा है, जिसे लेकर चीन ने एक बार फिर चेतावनी दी है। उसका कहना है कि दलाई लामा का चुनाव चीन की ओर से ही किया जाएगा। राजस्थान के दौसा में सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह एक किराए के मकान में रहता है। 4 साल की मासूम खेलते खेलते उसके कमरे के पास पहुंचती है। इसके बाद उस सब इंस्पेक्टर ने उसके साथ दरिंदगी की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए वित्त वर्ष 2022-2023 की ब्याज दरों को खाते में ट्रांसफर कराना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ना की आग। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की, जिससे राज्य के राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे जला सकेंगे। सरकार ने 7 से 10 बजे तक का समय पटाखे जलाने के निर्धारित किया था। कोर्ट ने इसे 8 से 10 बजे तक कर दिया है। टाइगर 3 के रिलीज के पहले दिन जमकर कमाई करने की उम्मीद की जा रही। हालांकि सलमान की ये फिल्म पहले दिन शाहरुख खान के जवान का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाएगी। थलपति विजय स्टारर लियो की कमाई में अब हर दिन गिरावट आ रही है। रिलीज के 23वें दिन तो करोड़ों में कमाई करने वाली फिल्म लाखों में सिमट गई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर लगातार चलता रहेगा। NBC के तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।